सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों का लिखित जवाब, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव को लिखी चिट्ठी। प्रस्ताव के जवाब में लिखा गया, किसानों ने की संयुक्त बैठक, चर्चा के बाद किया अस्वीकार। किसानों की दलील, सरकार का प्रस्ताव 5 दिसंबर 2020 को सरकारी प्रतिनिधियों की तरफ से दिए गए मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप। किसानों की अपील, आंदोलन को बदनाम करना बंद करे सरकार, दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे। तरन तारण में किसानों ने रेलवे की 47 पन्नों की पुस्तिका जलाई, IRCTC 2 करोड़ ईमेल भेजकर ग्राहकों को सिख समुदाय की खातिर के लिए 13 फैसलों के बारे में दी थी जानकारी। किसान आंदोलन के 21वां दिन, अपनी मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर अड़े प्रदर्शनकारी। आंदोलनकारी किसानों ने पीएम से की अपील, कहा चर्चा। आंदोलनकारी किसानों से प्रधानमंत्री ने की अपील, कहा चर्चा से ही निकलेगा समाधान। किसानों से बातचीत के लिए तैयार सरकार, कृषि मंत्री बोले कानून को लेकर हर शंका करेंगे दूर। कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं। सिंघू बॉर्डर के पास नरेला में दिल्ली बीजेपी किसान पंचायत, तीनों कृषि कानूनों का करेंगे समर्थन। 26 जनवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रपति को लौटाएंगे मेडल। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है आंदोलन, प्रदर्शन स्थल पर एक किसान ने लगाया सब्जी का स्टॉल। आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं किसानों का जत्था, 50 साल पुराने ट्रैक्टर को लेकर पहुंचा किसान। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, फ्रंट लाइन ड्यूटी पर है RAF, उसके बाद IGBP और CRPF की टुकड़ी तैनात। हरियाणा के सिरसा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, हाईवे पर सांसद को दिखाए गए काले झंडे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि कानून को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल। नागपुर नितिन गडकरी के घर के आगे जुटे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल को हर रोज हो रहा है 3500 करोड़ का नुकसान, एसोचैम ने किया दावा। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के कुंडली इलाके में ठप हुआ 1800 फैक्ट्रियों में कामकाज, नहीं पहुंच रहे मजदूर। रोहतक के एक गांव में किसानों के लंगर के लिए इकट्ठा किया गया चंदा, 24 घंटे भोजन का इंतजाम। आज 1971 की विजय के 50 साल पूरे, नेशनल वॉर मेमोरियल में खास समारोह, प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में शामिल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने जलाई स्वर्णिम विजय मशाल, यहां देश के कोने कोने तक जाएगा विजय दिवस का संदेश। आसमान से भी 2 शहीदों को श्रद्धांजलि, राजपथ पर लड़ाकू विमानों का हवाई मार्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 71 के जवानों को, जाबाजों को दी श्रद्धांजलि, कहा त्याग और बलिदान सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल, CDS जनरल बिपिन रावत भी मौजूद। 50 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान को मिली थी शिकस्त, 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने किया था सरेंडर। गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया। राहुल गांधी का ट्वीट, ये उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मारे गए पाकिस्तानी सेना के 2 जवान, सीजफायर उल्लंघन की जवाबी फायरिंग में ढेर। NRC को लेकर ममता का केंद्र पर वार, जलपाईगुड़ी में लोगों को कहा डरने की नहीं है जरूरत। ईस्ट मिदनापुर में TMC के बागी शुभेंदु अधिकारी ने की रैली, कहा हाल ही के दिनों में मुझ पर 11 बार हुए हैं हमले। बंगाल में तेज हुई सियासत, चुनाव आयोग से राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। गुरुवार से 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की टीम, अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों पर लेंगे जायजा। 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर मिदनापुर जाएंगे अमित शाह, 20 दिसंबर को बोलपुर जाने का कार्यक्रम। गृह मंत्रालय ने फिल्म अभिनेता सांसद सनी देओल को दी वाई कैटेगरी सुरक्षा, IB की रिपोर्ट पर हुआ फैसला। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान लेंगे सनी देओल को सुरक्षा, 11 जवान और 2 PSO तैनात। आज के दल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती, LDF और BJP में मुख्य मुकाबला। तिरुवनंतपुरम में रसोई गैस महंगी होने का विरोध, सड़क पर प्रदर्शन। पटना में RJD कार्यकर्ताओं ने की प्रार्थना, लालू प्रसाद यादव की सेहत की मांगी दुआएं। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, कबूल किया पीएम मोदी का न्योता। कोरोना टीकाकरण के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, 23 मंत्रियों को दी जाएगी देखरेख की जिम्मेदारी। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले, 99,32,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 34,000 लोगों की रिकवरी, अब तक 94,56,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। देश में पिछले 24 घंटे में 387 लोगों की मौत, अब तक 1,44,000 लोगों की जा चुकी है जान।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1600 से ज्यादा नए मामले, 41 लोगों की गई जान, 14480 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2900 से ज्यादा नए मामले, 18,83,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पुणे में महंगी पड़ी जन्मदिन की पार्टी, वीडियो लाइव देख पुलिस ने की कार्रवाई। सामने आई मुखिया पति की दबंगई, मामूली विवाद पर युवक को पीट कर किया अधमरा। बिजली की तार टकराकर जला ट्रक, ड्राइवर ने जान पर खेल कर खुले मैदान तक किसी तरह से गाड़ी को पहुंचाया। अतीक अहमद के साले पर गेस्ट हाउस पर चला पीडीए का बुलडोजर, माफिया के खिलाफ प्रयागराज प्रशासन का एक्शन। बिहार के सासाराम में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के बाद हड़कंप, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पंजाब के अमृतसर में नशे के कारोबार का भंडाफोड़, 46,000 से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर, बस और मारुति इको में आमने सामने से टक्कर में 3 की गई जान। गुरुग्राम में डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, 2017 से चल रहा था लिंग परीक्षण का गोरख धंधा। मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स ने अपने 2 बच्चों और पत्नी की हत्या की, बाद में फांसी लगाकर दी जान। पंजाब के बठिंडा में पोर्ट के बाहर लड़का और लड़की के परिवार में भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अलीगढ़ में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, शादी की पार्टी नहीं दी तो दोस्तों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेसी नेता की फायरिंग का वीडियो वायरल, शादी समारोह में धनाधन चलाई गोलियां। जमशेदपुर के रिहायशी इलाके में 2 मंजिला मकान में भीषण आग, गैस सिलेंडर से हादसे का अनुमान। पश्चिम बंगाल के नाडिया में सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत। औरंगाबाद में अस्पताल के कैदी वार्ड पर नशे में धुत युवकों का हमला, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ। पटियाला में सड़क हादसे में 2 किसानों की मौत, दिल्ली धरने से वापस लौटते वक्त ट्रक से टकराई ट्रॉली। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में युवक की बेरहमी से हत्या, पत्थर से कुचलकर वारदात को दिया अंजाम। बिहार के कटिहार में किराना कारोबारी से 1,00,000 रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में 2 कार लुटेरे गिरफ्तार, लूट की दर्जन पर से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में पांडव नृत्य की धूम, सदियों से होती आ रही है पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की पूजा। निजी दौरे पर देहरादून पहुंचे आमिर खान, गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ की मस्ती। पश्चिम बंगाल में 18 दिसंबर से होगा ठंड का अटैक, कोलकाता में 12 डिग्री तक होगा न्यूनतम तापमान। लगातार गोते लगा रहा है दिल्ली का तापमान, 4 डिग्री तक पहुंचा राजधानी में न्यूनतम तापमान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम, सड़क पर मुसाफिरों की बढ़ रही है परेशानी। उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में और गिरेगा पारा। घने कोहरे के बीच हाईवे पर रोकी गाड़ियों की रफ्तार, सुबह के वक्त 50 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। कश्मीर घाटी में लगातार गिर रहा तापमान, गुलमर्ग में 0 से 10 डिग्री नीचे गिरा पारा। शिरडी में पहली बार जबरदस्त कोहरा, धुंध में ढक गया साईं बाबा का मंदिर। कर्नाटक के शिवमोगा में लगातार गिर रहा है तापमान, कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। हिमाचल के सोलन में रात और सुबह के तापमान में भारी गिरावट, जमने लगा है पानी। वित्त मंत्री के साथ मीटिंग में उद्योगपतियों ने इनकम टैक्स में कटौती की मांग की, कहा कॉरपोरेट को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाएं। क्रिसल ने 2020-21 के लिए जीडीपी के अनुमान में किया सुधार, कहा विकास दर 7.7% की हो सकती है गिराव। हाई पावर कमेटी ने किया बीपीसीएल की बोलियों का मूल्यांकन, खरीदारी की होड़ में है वेदांता समेत 3 कंपनियां। किसान आंदोलन की आड़ में ग्राहकों को भड़काने का जियो ने लगाया आरोप, कहा नेगेटिव कैंपेन चला रहा है वोडा, आइडिया और एयरटेल। आईफोन 13 सीरीज की लॉन्चिंग में नहीं होगी देरी, सितंबर 2021 में होगी कंपनी के नए जनरेशन फोन की लॉन्चिंग। 18 से 22 दिसंबर तक फ्लिपकार्ट पर होगी बिग सेविंग डे सेल, 80% तक मिलेगा डिस्काउंट। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री पर 2400 करोड़ खर्च करेगी ओला, 10,000 लोगों को देगी नौकरियां। गूगल ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा सितंबर 2021 तक बढ़ाई, उसके बाद कर्मचारी 3 दिन ऑफिस और बाकी दिन घर से कर सकेंगे काम। 7,32,00,000 के पार पहुंची दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद, अब तक 16,27,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 3,00,000 के पार पहुंची अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या, 1,70,00,000 के करीब है संक्रमितों की संख्या। अमेरिका में शुरू हुआ कोरोना का इमरजेंसी टीकाकरण, न्यूयॉर्क में नर्स को दिया गया पहला डोज। 91% कारगर पाया गया रूसी वैक्सीन स्पुतनिक, 21 दिन बाद किया गया आंकड़ों का विश्लेषण। ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया टाइप, लंदन और आसपास के कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन का ऐलान। नेदरलैंड्स में 5 हफ्ते के लिए लगाया गया सख्त लॉकडाउन, कोरोना वायरस को रोकने की कवायद। जर्मनी में लॉकडाउन लागू करने से पहले सरकार ने लोगों से
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।